ग्रामीणों ने एसपी से गोमती नदी में डूबकर हुई 17 वर्षीय युवक की मौत को परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और न्याय की मांग की है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दिनांक 7 सितंबर 2020 को मुकदमा नहीं दर्ज किए जाने पर दर्जनों की संख्या में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने एसपी से गोमती नदी में डूबकर हुई 17 वर्षीय युवक की डूबकर हुई मौत को परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और न्याय की मांग की है। कुछ दिनों पहले बल्दीराय थाना क्षेत्र के बरासिन में एक किशोर का शव था। पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीना ने क्षेत्राधिकारी विजयमल सिंह यादव की अध्यक्षता में एक जांच टीम गठित कर दी है और जांच रिपोर्ट आने के बाद उसी के आधार पर कार्यवाही करने की बात कही है। फिलहाल प्रथम दृष्टया जांच में पैर फिसलने से मौत की बात सामने आई थी। अब परिजनों के हत्या की आशंका के बाद एसपी ने जाँच के आदेश दिए हैं। जाँच के बाद ही मौत का सही कारण सामने आएगा। थाना क्षेत्र का एक प्रकरण था जिसमें एक 17 साल का युवक नदी के किनारे कुछ गाँव के लोगों के साथ खेल रहा था, उसी में उसका पैर फिसला और उसके बाद में नदी में डूब गया। तो घर वालों का कहना ये है कि कुछ एक लोगों के ऊपर उन्हें शंका है, तो उस संदर्भ में जांच कराने के लिए आज वो लोग आए थे, तो हमने सीओ बल्दीराय साहब को इस प्रकरण में जांच दे दी। शेष जो विधिक प्रक्रिया उसको पूछा।